रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के इस्तेमाल से लगातार मिट्टी के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से मिट्टी का पीएच मान लगातार बिगड़ रहा है। ऐसे में तैयार होने वाली उपज मानव स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो रही है। इसकी वजह से लोग गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, असमय मौतें हो रही हैं। ऐसे में जरूरी है कि किसान जैविक खेती की ओर बढ़ें। कृषि विज्ञान केंद्र नियामतपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर एनपी गुप्ता ने बताया कि जैविक तरीके से तैयार किया जाने वाला जैविक उत्पाद जीवामृत, जो केवल हमारी फसल के लिए ही नहीं बल्कि मानव जीवन के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अमृत समान है। जीवामृत एक प्रभावशाली जैव उर्वरक है जो फसल के सभी चरणों में विकास और पैदावार को बढ़ाने में मदद करता है। यह सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाता है, इन्हें एक अनुकूल वातावरण प्रदान करता है जो पौधों को आवश्यक मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करते हैं। यह मिट्टी में केंचुए की संख्या को बढ़ाता है, जिससे मिट्टी उपजाऊ होती है। जीवामृत को तैयार करने के लिए एक ड्रम में 200 लीटर पानी लेकर उसमें 10 किलो देसी गाय का गोबर, 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 2 किलो पुराना गुड़ और 2 किलोग्राम बेसन डालने के बाद 250 ग्राम जीवाणु युक्त मिट्टी डालकर लकड़ी की छड़ी के सहारे अच्छी तरह से मिला दें। उसके बाद ड्रम को कपड़े से ढककर छाया में रख दें। इस घोल को रोजाना लकड़ी की छड़ी से 2 से 3 बार चला दें। 5 से 6 दिन में जीवामृत बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद इसको महीन कपड़े से छानकर दूसरे ड्रम में निकाल लें। डॉक्टर एनपी गुप्ता ने बताया कि जीवामृत को सिंचाई के दौरान दिया जा सकता है। जिस समय खेत में सिंचाई करें उसी दौरान ड्रिप के साथ या स्प्रिंकलर के साथ फसलों को दे सकते हैं। इसके अलावा इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। इसको स्प्रे पंप के साथ फसलों पर छिड़काव किया जा सकता है, जिससे बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। जीवामृत का छिड़काव धान, गेहूं, गन्ने के साथ साथ दलहन और तिलहन की फसलों पर भी किया जा सकता है। इसके अलावा ये सब्जियों और औषधीय पौधों के लिए भी बेहद ही कारगर है। समय समय पर इसका छिड़काव करने से किसानों को बेहतर परिणाम मिलते हैं। जीवामृत का छिड़काव करने से सूक्ष्म जीवों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। ये मिट्टी को भुरभुरा और उपजाऊ बनाता है, मिट्टी में जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा ये फास्फोरस के साथ अन्य कई पोषक तत्वों को बढ़ाता है और मिट्टी में केंचुओं की संख्या में भी इजाफा होता है, जिससे मिट्टी उपजाऊ होती है। शाहजहांपुर से लोकल 18 के लिए सिमरनजीत सिंह की रिपोर्ट। जीवा अमृत एक प्राकृतिक उत्पाद है जिसको गाय के गोबर गौमूत्र से बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए 1 एकड़ यदि आपका कोई भी फसल है, जैसे गेहूं है, धान है या दलहन या तिलहन है, तो उसके लिए एक बार में प्रयोग करने के लिए जीवामृत के लिए 200 लीटर पानी लेते हैं किसी ड्रम में, और उस ड्रम में 2 किलोग्राम बेसन डालते हैं, 2 किलोग्राम गुड़ डालते हैं और 10 लीटर गाय का मूत्र, 10 किलोग्राम गोबर डालते हैं। साथ ही साथ जीवाणु युक्त मिट्टी लगभग हम 250 ग्राम डालते हैं। डालने के बाद इसको अच्छी तरह से किसी डंडे की सहायता से इसको अच्छी तरह से मिलाया जाता है और मिलाने के बाद इसको ढक देते हैं। 4 से 5 दिन इसको प्रतिदिन किसी डंडे की सहायता से घड़ी की सुई के अनुसार क्लॉकवाइज इसको 5 से 10 मिनट सुबह शाम घुमाते हैं और इसको फिर कपड़े से ढक देते हैं। लगभग 4-5 दिन बाद हम देखते हैं कि इसका पानी का रंग दूधिया होने लगता है और लगभग 1 सप्ताह बाद हमारा जो जीवामृत तैयार हो जाता है, तैयार होने में दिखाई देता है कि इसमें बुलबुले उठने लगते हैं। जब ये बुलबुले उठने लगे तो ये समझना चाहिए कि हमारा जीवामृत तैयार हो गया है। इसको हम सिंचाई के पानी के साथ पूरे खेत में डालते हैं और जब भी किसी फसल में हम सिंचाई करें तो इसको हर सिंचाई में इसका प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ खड़ी फसल में लगभग 30 दिन और लगभग 40 से 45 दिन बाद हम इसका स्प्रे करते हैं तो फसल की वृद्धि विकास बढ़िया होती है। फसल में हमें किसी भी तरह के रासायनिक उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती और फसल का विकास भी बढ़िया होता है और हमें एक प्राकृतिक उत्पाद के रूप में हमें फसल का उत्पाद मिलता है।